भारत सहित आज पूरा विश्व एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। वो संकट है पर्यावरण के प्रदूषण का। आज पूरा विश्व इस संकट से बचने के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास बहुत अधिक कर रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में कई लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए भी हैं। मगर आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज को ही पर्यावरण संरक्षण के काम में लगा दिया है। जी हाँ, प्लास्टिक, जिससे आज पूरा विश्व परेशान है और पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान भी प्लास्टिक से ही पहुंचाया जा रहा है। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है। बावजूद इसके देश में कई जगह पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बंद नहीं दिखाई दे रहा है। आज हम लोग रामगढ़ जिले के ही एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ रामगढ़ को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को एक नया नजरिया देने का प्रयास किया है। कहा जाता है, अगर शिद्दत से कोई व्यक्ति किसी चीज को चाहे तो पूरी कायनात उसे उससे मिलाने को तैयार हो जाती है। ऐसा ही कुछ रामगढ़ में देखने को मिल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उपेंद्र पांडे एवं उनकी पत्नी सतविंदर पांडे कई सालों से इस काम में लगे हुए हैं। इन लोगों ने अपने शौक को ही एक ऐसा अभियान का रूप दिया जिससे उनका ही नहीं अपितु पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। रामगढ़ के पांडे दंपत्ति द्वारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग का अद्भुत नमूना पेश किया गया है। उपेंद्र पांडे शैक्षणिक संस्था चलाते हैं जहां वह बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उपेंद्र पांडे को बागवानी का शौक काफी पुराना रहा है। बागवानी के इसी शौक ने बागवानी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नया तरीका निकाल लिया उपेंद्र पांडे ने। पिछले कई वर्षों से रास्ते में फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग कर 10,000 से अधिक पौधों को अपने घर में लगाकर पूरे घर को सुंदर तो बनाया ही, साथ में समाज के बीच जाकर लोगों को प्लास्टिक डोनेट मिशन के नाम से एक अभियान भी चालू कर दिया। इस अभियान के तहत वह लोगों से 5 प्लास्टिक लेते हैं और उसके बदले में प्लास्टिक के ही गमले में एक पौधा देते हैं। पौधे लेने वालों को यह संदेश भी देते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रहे। आज के समय में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी काम को नहीं करता। ठीक उसी प्रकार यह शिक्षक दंपत्ति से बात करने पर उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और उनके भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाता है। उन्होंने उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को ही सुरक्षित करना शुरू कर दिया, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही ऐसे काम से और इस अभियान से रामगढ़ सहित पूरे देश में प्लास्टिक का उपयोग वर्जित हो सके, इसी सपने के साथ वह दिन रात इस काम में लगे रहते हैं। इस अभियान के जरिए उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए हर जगह कई यात्रा भी निकालते रहते हैं। उपेंद्र पांडे का कहना है कि हर काम के लिए अगर हम सरकार पर ही निर्भर रहेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। इसके लिए हर एक नागरिक को सचेत रहना होगा। पर्यावरण की रक्षा करना कोई काम नहीं बल्कि यह एक नैतिक दायित्व है। उनकी पत्नी सतविंदर पांडे का कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना पर्यावरण को बचाना होगा और ये काम हमारा अपना काम है, न कि सरकार का। राष्ट्र समर्पण की टीम पांडे दंपत्ति के इस तरह के अनोखे मुहिम चलाने को लेकर उन्हें सलाम करता है और पूरे देश को इस राह में चलने का अनुरोध करता है। इस अभियान को लेकर राष्ट्र समर्पण ने पांडे दंपत्ति के साथ वार्ता की और उनके भविष्य के कई योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। राष्ट्र समर्पण सरकार से यह उम्मीद करती है कि ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे हुए हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का एक मौका मिले ताकि उनके उत्साह और प्रोत्साहन में कोई कमी ना रहे। आज हम लोगों के बीच राष्ट्र समर्पण के कई सवालों में उपेंद्र पांडे और सतविंदर पांडे मौजूद हैं। उपेंद्र पांडे कई सालों से पर्यावरण को लेकर एक अनोखी मुहिम चालू कर रखे हैं।
प्लास्टिक की थैलियों में पौधों को लगाकर लोगों को देते हैं और इस तरीके से प्लास्टिक के प्रति नफरत को मोहब्बत में बदलने का काम उपेंद्र पांडे ने किया। लोगों से ये प्लास्टिक लेते हैं और बदले में पौधा देते हैं। आइए हम लोग जानते हैं ये मुहिम इन्होंने क्यों शुरू की और इसके पीछे क्या उद्देश्य था, जिसमें आप कई सालों से इस विषय में काम कर रहे हैं। प्लास्टिक दो या प्लास्टिक डोनेट मिशन को लेकर के आपने ये काम मुहिम शुरू की, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये कैसे हुआ, इसका शुरुआत से बताइए हमें। हम लोग पहले राष्ट्र समर्पण का धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत विषय को साझा करने का अवसर दिया। 2013 की बात है, अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे और यही बातचीत हो रही थी, तो हम लोगों ने देखा है कि जो मेट्रो कल्चर है, क्योंकि दिल्ली हम लोग कार जाना हमेशा रहता है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ बच्चों में सांस लेने की, बच्चों के सांस की समस्या बहुत ज़्यादा है और उसका जब आप उसके जड़ में जाइएगा तो आपको पता लगेगा सबसे मुख्य कारण जो है वो प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक से मुक्ति मिलती है तो आप एक अच्छे एनवायरमेंट में जी पाते हैं। हमारी पत्नी सतविंदर पांडे ने बताया क्यों हम लोग इसके ऊपर कुछ काम करें, यही सोचते सोचते हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए। इसी बीच 2014 का इलेक्शन हुआ और मोदी जी गवर्नमेंट में आए, उसके बाद लोग की अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। लोग सब चाह रहे थे कि मोदी से, मोदी ये कर दे, मोदी ये वो कर दे, तो हमारी पत्नी ने बतलाया कि हम एक काम करते हैं, हम लोग ठीक ना, कि सब लोग मोदी से मांग रहा है, हम लोग मोदी जी को देते हैं, क्या देंगे भाई, तो हम लोग एक स्वच्छ रामगढ़ देते हैं, पॉलिथीन मुक्त रामगढ़ देते हैं। और उसके बाद ठीक ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो बोलते कि ऐसे हम लोग पास बहुत सारे पौधे हैं, क्यों नहीं उनसे प्लास्टिक लिया जाए, क्योंकि सही तरीके से कोई बात समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं वो प्लास्टिक दें और हम उनको पौधे दें, ठीक ना। और उसके बाद हम लोगों ने इसको शुरुआत कर दी 14 के करीब 14 सितंबर अक्टूबर से कहानी की शुरुआत हो गई, और उसके बाद ये लगातार चल रहा है हम लोग कार्यक्रम, ठीक है ना। और आज की स्थिति में ये है कि रामगढ़ में तकरीबन 1000 परिवार से ऊपर लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक यहाँ लेके आते हैं और पौधे लेके जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग जैसे जब शुरुआत किए तो कई मुश्किलें आई होंगी, वो कौन सी मुश्किलें कौन सी थी जो आपको काफी परेशान किया, या बीच में कई चीजें होती है आप लोग फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है या किसी भी अभियान को चालू करने के लिए? जहाँ तक रही फंडिंग की बातें, तो ये बात हमने उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि कम से कम जो हम लोग इधर उधर जो दान करते हैं, ठीक ना, ऐसे पैसे जिसका हम लोग मिसयूज करते हैं, ठीक ना, हम कोई पैसा हम लोग मिसयूज नहीं करेंगे, सारे पैसे का सेविंग करेंगे और उसी सेविंग से हम लोग इस मुहिम को चलाएंगे। और ये सेविंग के भरोसे ये जो है अभियान चल रहा है। वैसे उपेंद्र सर आप करते क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक संस्था है, आकांक्षा एडुस्टेशन, वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये भी हमारा एक अनोखा पहल है, इसमें आप कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी करते हैं, बैंकिंग रेलवे एसएससी के यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, और ऐसे बच्चे जो पैसे देने में असक्षम है उनको यहाँ निःशुल्क पढ़ाया जाता है। अच्छा, आप लोग जब ये मुहिम चालू किए तो लोगों की नजरों में भी आए होंगे, तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया है और कितना सहयोग आया? शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह से भी हो सकता है, लोगों को लगा कि भाई ये 2-4-6 महीने का ये भूत है उतर जाएगा, ठीक ना, क्योंकि रामगढ़ को स्वच्छ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग पॉलिथिन कैसे छोड़ेंगे, ठीक ना। पर हम लोग का एक ही ध्येय था, हम लोग अपना काम चुपचाप से करें, एक समय जरूर आएगा कि लोग इस पर ध्यान देंगे। और आज देख लीजिए रामगढ़ में बहुत हद तक पॉलिथीन जो है वो धीरे धीरे सब लोग का सहयोग रहा है, सिर्फ हमारा ही नहीं, सब लोग का सहयोग रहा है और सब लोग
बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और पॉलिथिन कम हुआ है। रामगढ़ के कौन कौन से शख्सियत हैं जो आपसे आपके इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? या अभी देखिए SRC PRC पूरा मिलिट्री कैंप है, वहाँ का सारा प्लास्टिक अभी वहाँ जो बड़े ऑफिसर्स जो हैं उन लोगों ने तय किया, उन लोग सामने आने से बचते हैं पता नहीं क्यों, ठीक ना, पर उनके तरफ से हमेशा जो मेजर रहते हैं, ठीक ना, वो लोग का प्रयास रहता है कि हम चुपचाप से काम करें, ठीक ना, तो इसको हम लोग लाइमलाइट पर नहीं लाएं, तो वहाँ कैंप से हमेशा SRC से PRC से पॉलिथीन आता है और बदले में यहाँ से पौधे लेके जाते हैं। रही रामगढ़ की बात, तो रामगढ़ में एक से एक लोग हैं, जैसे आपके सत्येंद्र हैं और राकेश है, शालू श्रीवास्तव हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं पर चुपचाप से काम कर रहे हैं। इसमें खैर ये तो सवाल ही नहीं बनता है कि आपके घर वालों का कितना सहयोग हुआ, क्योंकि आपकी पत्नी खुद ही इस मुहिम में आपका साथ काम को करते चले गए और हमने कभी सोचा नहीं कि ये काम थमेगा। बस हम बोले कि करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आपको कभी भी इनसे किसी प्रकार का इसमें शिकायत नहीं मिला है, फिर ऐसा भी नहीं मिला कि समय नहीं दे पा रहे हैं इस काम के चलते? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं इनके साथ। आपके परिवार के बारे में आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपके परिवार के बारे में। पिताजी हमारी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और घर में हम लोग तीन भाई हैं, दोनों भाई एडवोकेट हैं और हम लोग जॉइंट फैमिली है और इस अभियान को चलाने में मुझे किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है और मुझे सरकार से भी कोई वित्तीय सहायता की जरूरत है और मुझे लगता है कि चुपचाप से अगर काम किया जाए, लोग अपने सेविंग करें, ठीक ना, सरकार पर सारा बोझ ना डाले, अपने हिसाब से काम करें, तो मुझे नहीं लगता है कोई काम को करने में कोई दिक्कत आती है। ये प्लास्टिक को रिसाइकल करने का आपने जो एक नया नया तरीका निकाला है, इसके तहत लगभग आप लोगों ने कितने प्लास्टिकों को इस तरह से गमला का रूप दिया? अभी हमारे यहाँ तकरीबन 10,000 से ऊपर पौधे हैं, ठीक ना, और बड़े प्लास्टिक हमको लगता है अभी तकरीबन करीब 4,000 बड़े गमले में यहाँ पौधे लगे हुए हैं और बाकी जो पौधे हैं वो छोटे प्लास्टिक में लगे हुए हैं। और कितने लोगों को अब तक आप दे चुके हैं ये तरीके? ये तकरीबन 50,000 लोग जो हैं यहाँ से पौधे ले जा चुके हैं। अच्छा, प्लास्टिक दे करके? प्लास्टिक दे के। अच्छा, ये तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। जो प्रधानमंत्री मोदी जिस स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, उस अभियान से जुड़ करके आप भी लोगों के मन में प्लास्टिक से या सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के भी कई सारी मुहिम चल रही है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के भी मुहिम चल रही है, उसमें रामगढ़ में आपका एक बहुत बड़ा योगदान अपने स्तर से हो रहा है। और सरकारी पदाधिकारियों से आप लोगों की कभी बातचीत हुई या इसमें उनका कोई सहयोग मिल पाया? नहीं, सरकारी पदाधिकारी हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं और वो इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम लोग इसको बड़े स्तर पर करेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक ना, पर हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें लगता है कि हम लोग अपने चुपचाप से काम करते चले, ये धीरे धीरे ये अपने आप ही एक बड़ा आकार ले लेगा, ठीक ना। जैसे इस अभियान का नाम ही है पॉलिथीन दान अभियान, स्वच्छ समाज ने भारत की पहचान, लव द नेचर, कीप द पॉलिथीन एंड डोनेट द पॉलिथीन। नहीं, जैसे आप इस अभियान को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं, तो आपकी क्या अपेक्षा है कि पूरा रामगढ़ या पूरा देश किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, आपकी क्या आपका क्या उम्मीद है? अगर इस अभियान को केंद्र सरकार हाथों हाथ ले लेती है तो आने वाले समय में भारत पॉलिथीन मुक्त देश बन सकता है। क्योंकि आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जो सबसे बड़ा पॉलिथीन में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि पॉलिथीन को लोग फेंक दे रहे हैं और मिट्टी मिल जा रहा है, उसके बाद फिर उसको रिसाइकिल करना एक टफ जॉब हो जाता है। अगर हर एक घर अगर पॉलिथीन को अपने घर में रखें, एक महीने के बाद बाहर प्लास्टिक चुनने वाले आते हैं उनको दे दान कर दे, ठीक ना, तो वो उसको सीधे रिसाइकिल वाली जगह पर बेच देगा,
और उसके बदले उसको कुछ पैसे ही मिल जाएंगे, ठीक ना, और रिसाइकिल भी हो जाएगा, और प्लास्टिक को लेकर वो अवेयर भी हो जाएंगे कि हमें कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है। इसमें आपका क्यों सतविंदर जी, आप भी कोई संदेश ऐसा है जो देना चाहते हैं समाज? मेरा यही कहना है कि जब तक आदमी अपने में बदलाव नहीं लाएगा तब तक वो आगे की नहीं सोच सकता है। पहले तो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, और मेरा संदेश यही है सबके लिए कि हमें अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ये मुहिम में सब साथ देना चाहिए सबको। जैसे मैं किटी पार्टीज में जाती हूँ तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ, तो वहाँ पर भी सारी जितनी मेरी किटी मेंबर्स हैं वो सारा सभी लोग मुझे सहयोग करती हैं इस चीज़ में। भविष्य में इसको आप और किस स्तर पर देखते हैं, या इसके लिए आपकी क्या योजना हो सकती है, क्या है? जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि ये 25 डिसमिल का प्लॉट है, और इसी में हम लोगों ने कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा है जहां पर फूल पत्ती नहीं लगे हुए। आगे हमारा ये सोचना है कि अगर सरकार की तरफ से अगर 3 एकड़ बैरन लैंड अगर हमको मिल जाता है तो उसपे हम इसी तरह एक प्लास्टिक पार्क का निर्माण करना चाहते हैं, प्लास्टिक पार्क, जिसमें मुझे सरकार से वित्तीय रूप से 1 रुपया भी आवश्यकता नहीं है। ये हम खुद के सहयोग से इस काम को करना चाहते हैं ताकि ये मिसाल बने। जब तक मिसाल नहीं बनेगा आप प्लास्टिक से लड़ नहीं सकते, लोगों को आप आकर्षित नहीं कर सकते हैं। पार्क तो बहुत से बने हुए हैं, एक पार्क नहीं हजारों पार्क बने हुए हैं, पर उससे कोई प्रेरणा जो मिलनी चाहिए लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हम मुझे मेरी ये चाहत है कि एक भव्य 3 प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो जो पूरे भारतवर्ष में अभी तक नहीं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि उपेंद्र पांडे जी की यह कामना पूरी हो और आगे के लिए हम लोगों का भी सहयोग हो, और हम लोग देश के सरकार से या राज्य की सरकार से, रामगढ़ के प्रशासन से यह अनुरोध करेंगे कि इस मुहिम में इनका साथ दें और इन्हें आगे बढ़ाएं। मैं राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप।